हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हमारे 7000 प्लस के यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। एज वेल एज हम आज बात करने वाले एक बहुत ही पैनी स्टॉक से रिलेटेड, पैनी स्टॉक और ऐसा पैनी स्टॉक जिसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है, एक ऐसा पैनी स्टॉक जहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा है, एक ऐसा पैनी स्टॉक जहाँ पर रिटर्न देने की गुंजाइश है कि यहाँ पर ये पैनी स्टॉक्स अगर हमारे अकॉर्डिंग चला तो एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ओके, तो हम बात करने वाले गोइंका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड। शेयर के प्राइस की बात करें तो लगभग 8 रुपीज का स्टॉक है। ओके, हाई की बात करें 17 रुपए का हाई है। बुक वैल्यू की बात करें 23 रुपए की बुक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू 115 रुपए की है। यहां से यहां तक भी जाता है तो 3 टाइम्स रिटर्न हो गए। यहां से यहां तक जाता है तो आपके रिटर्न लगभग 20 टाइम्स हो गए। और ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो आपके रिटर्न लगभग लगभग 90x हो गए। ओके, 90x मतलब 90 गुना आपके पैसे हो जाएंगे। तो डेट फ्री शेयर है, यहाँ देखिए डेट फ्री शेयर है। आरओसी आरओई आरओसी काफी बेहतरीन है, आरओई बेहतरीन नहीं है। पी की बात करें 5 के पी पे मिल रहा है, 5 से भी कम पे। इंडस्ट्री का पी 26 का है, बड़ा सस्ता नजर आता है, बट पी के बेसिस पे कभी बाइंग सेलिंग नहीं करते, इस चीज को याद रखिएगा। शेयर की बात करें तो जैसे कि गोइंका बिजनेस एंड फाइनेंस, गोइंका बिजनेस का नाम किसने नहीं सुना? गोइंका ग्रुप ने यहाँ पर लखनऊ की टीम भी लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कैलकटा बेस्ड बिजनेस इज लेंडिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी काम करती है। नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी इंगेज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, इन्वेस्टिंग बाइंग सेल ट्रांसफर डील्स और एनी शेयर डिबेंचर्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कंपनी यहाँ पर हम बात करें फोकस इन द लेंडिंग मनी टू बोरोअर और रेज मनी विद और विदाउट सिक्योरिटी और बाय द इशू ऑफ द सेल ऑफ द बॉन्ड्स मॉर्गेज एंड द डिवेंचर्स। तो कंपनी का काम बोरोइंग से रिलेटेड है, एनबीएफसी है बट नॉन डिफाइन बैंक की तरह काम नहीं करती। कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर, लगभग 99% से रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। इंटरेस्ट से लगभग 1%, चेंज ऑफ केएमपी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंपनी क्या है, कंपनी यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, इस चीज को याद रखिए, कितनी बिल्कुल छोटी सी कंपनी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे शेयर को मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। कंपनी की बात करें, कंपनी यहाँ पर केवल और केवल बीएससी पे लिस्ट है। अच्छी कंपनीज आपको हमेशा बीएससी पे ही लिस्ट मिल देगी। अब आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल को नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े थे और हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके साथ लाए। प्लस में आपको पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ओके, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है, वेल्थ क्रिएटर्स ग्रुप है, चार्जेबल ग्रुप है। 1000 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8865405018169261037 इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये देखिए उसका नाम क्या है, वेल्थ क्रिएटर्स। आज ये कल के शेयर है, कल यहाँ पर दिए गए थे। आज की बात करें 20% अप, 4% अप, 5% अप, 7% अप, 6% अप, 5% अप, ओके, 3% अप, ओके, 20% का अपर सर्किट यहाँ लगा, 3%, 5%, और ये वाला जो शेयर था ये तो लास्ट में 10% भाग गया था, ओके, और 10%, 7%, और यहाँ पर देखिए 12% अप, 6% अप, ओके, और किस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है एक साथ बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर शेयर दिए जाते हैं जहां पर आप पैसा लगा के ओके, और खुद की थोड़ी सी स्टडी करके पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। और आप स्टडी नहीं कर सकते जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है, ओके, जिसको रिस्क फ्री मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है, ओके, जो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए हमारी एक सर्विस है प्रीमियम सर्विसेज, ओके। इन इस प्रीमियम सर्विसेज मतलब उस ग्रुप का नाम है वेल्थ क्रिएटर प्रीमियम, पर्सनली अटेंड करता हूँ। और यहाँ पर उसे उसमें की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 5000 पर मंथ का है। और भी कुछ चीजें हैं तो आप वहां पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं पर्सनली उस पर्टिकुलर ग्रुप को देख के इसे भी देखता हूँ पर्सनली, उसे भी देखता हूँ, बट उसे ज्यादा ध्यान से देखता हूँ। तो वहां पर पैसा बनता है वो नजर आता है। और ये स्टॉक्स किस तरीके से बताए जाते हैं कि एक बार बताए तो यहाँ पर पैसा बना, तो यहाँ पर देखिए
8860540501 8169261037 पे कांटेक्ट करेंगे तो ये कोर्स की डिटेल दी जाएगी, जहाँ टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च और फंडामेंटल एक बार सीख लीजिए, जिंदगी में किसी की तरफ आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपको पता चल जाएगी शेयर ऊपर जाएगा, आपको पता चल जाएगी शेयर नीचे जाएगा, ये शेयर कहाँ से लाए जाते हैं वो पता चल जाएगा। 1-to-1 क्लासेस जहाँ पर लोग ग्रुप में 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं, और वो भी ना के बराबर केवल टेक्निकल सिखाते हैं। यहाँ पर 1-to-1 में रिसर्च भी सिखाई जा रही है, फंडामेंटल भी, स्टेजेस। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि मार्केट में स्टेजेस का क्या मतलब है। स्टेजेस की तरह अगर आपने पढ़ ली तो आप पैसा बनाते हुए नजर आएंगे, तो वही स्टेजेस यहाँ पर बताई जाती है अपने रिसर्च में। अब VCP पैटर्न्स बताए जाते हैं तो आपको पता चलेगा, बहुत बेहतरीन कोर्स है। तो ऑनलाइन नोट्स इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। और याद रखिए, इससे बड़ा, इससे बेहतरीन कोर्स पूरे इंडिया में नहीं है। तो आगे बढ़ते जानते हैं। तो गोइंग का बिजनेस से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, ये कभी शेयर 500 रुपए से भी प्लस में यहाँ पर चला करता था, आज यहाँ पर शेयर यहाँ पर बिल्कुल गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अब बात करेंगे शेयर से रिलेटेड। शेयर देखिए यहाँ पर अच्छा बीच में परफॉर्म कर रहा था, फिर एक साथ ही इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डल होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी 68 करोड़ रुपीज के आसपास की सेल्स कर रही है। कंपनी यहाँ पर हम बात करें तो 2.37 करोड़ रुपीस के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर 3.47% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आता है, जो कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा नजर आता है। कंपनी देखिए जहाँ पर एक साल पहले घाटे में EPS था वो ओके, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट घाटे में था ज्यादा, और यहाँ पर देखिए घाटे में दिखा रहा है, बट वो भी इंटरेस्ट की वजह से। बट बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए अच्छा पैसा बनाना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी ओके, और ये शेयर उसी रिस्क वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क नजर आता है इस शेयर में, बट कंपनी यहाँ पर मुझे काफी अच्छी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है, और बड़ा ग्रुप भी है इसमें भी कोई दोराय नहीं है। सेल्स की बात करें कंपनी की, सेल्स यहाँ पर देखिए लगातार जो ये सेल्स बढ़ी है ना, ये पिछले कुछ टाइम में ये सेल्स ऐसी कभी नहीं आई, इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है यहाँ पर देखिए धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे शेयर जब भागना शुरू करते हैं तो याद रखिए पीछे मुड़ के नहीं देखते, आपके केवल पैसे बनते हुए नजर आते हैं। रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, 18 करोड़ का रिजर्व्स है, बोरिंग किसी तरीके की है नहीं ओके। यहाँ पर देखिए 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें 1 करोड़ का कैश भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स का 14.91% के शेयर एज इट इज यहाँ पर बने हुए राइज हाइट ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड के पास। और बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 85% के शेयर है, बट उसमें भी बड़े बड़े ग्रुप है जिनके पास 9, 6%, 1%, यहाँ पर ये ओवरऑल काउंट करोगे ना तो अच्छी खासी क्वांटिटी बड़े बड़े ग्रुप ने यहाँ पर लेके रख रखी है, तो इसे भूलना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, रिस्की शेयर है नो डाउट ओके, खुद की ड्यू डिलीजेंस करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके, तब आपको यहाँ पर इस शेयर में बैट करना है। और पैनी स्टॉक है, और इसी को ही पैनी स्टॉक कहते हैं। पैनी स्टॉक का मतलब कि अगर निकला तो अच्छे खासे निकलेगा, और नहीं निकला तो फिर यहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में यहाँ पर देखिए शेयर काफी टाइम से एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और वो रेंज क्या है, नीचे की रेंज बताऊं तो नीचे यहाँ पर ये शेयर लगभग 7 रुपए 31 पैसे, जो कि देखिए यहाँ पर 2 दिन से टकरा के ऊपर जा रहा है। और ऊपर की रेंज की बात करूं तो ऊपर जैसे ही ये शेयर यहाँ पर लगभग 10 रुपए की रेंज को क्रॉस करेगा तो इसमें एक तेजी आती हुई दिखाई देगी, जो इस शेयर को सबसे पहले 12 रुपए के आसपास, फिर 16 रुपए के आसपास, और फिर यहाँ पर 24 रुपए के आसपास ले जा सकता है। और 24 रुपए क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू का मतलब वो है कल को कंपनी बंद भी हो गई तो 23 रुपए 7 पैसे तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर शेयर मुझे अच्छा नजर आता है, और जिस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बन रहा है, ये दो दो यहाँ पर हैमर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हैमर क्या करते हैं, हैमर का जैसे ही कुछ कंडीशंस होते हैं निकलता है तो अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते हैं। तो चीजों को यहाँ पर चीजों को समझिए, चीजों को समझ के अगर काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। और कभी ये शेयर, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 2014-15 में ये शेयर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 500-600 रुपए पे यहाँ पर चला करता था, और अगर बाय चांस ऑपरेटर एक्टिव हो गए और ऑपरेटर ने यहाँ पर अपनी छड़ी घुमा दी, तो ऑपरेटर ऐसे ही शेयरों में छड़ी घुमाते हैं आपको ही पता है, तो 6-7 हज़ार% के रिटर्न फ्री फंड में आपके बनते हुए नजर आ जाएंगे। ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करिएगा मत, क्योंकि शेयर है रिस्की ओके, और जहां पर रिस्क है वहां पर इश्क है, तो इश्क करना चाहते हो तो यहीं पर इश्क हो सकता है, बट मेहनत के साथ, और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी ने भी कह दिया और पैसा लगा दिया, ऐसा करोगे तो यहां फंसते हुए नजर आओगे। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, व्हाट्सएप
को ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, इनके कुछ चार्जेस है, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पर चार्ज कोर्स को भी कर लीजिए ताकि आपका फायदा हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।